करनाल के राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान संस्थान में किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में करनाल के सांसद संजय भाटिया ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान संबोधित करते हुए संस्थान के निदेशक डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम में लाहौल स्पीति से आए किसानों को कृषि व बागवानी की आधुनिक तकनीकी से रूबरू कराया जा रहा है और उन्हें नई किस्मों की जानकारी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि संस्थान ने DBW 187 किस्म विकसित की है, जिसमें 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन की क्षमता है। इससे किसान को 12,000 से 15,000 का फायदा मिलेगा। उन्होंने बताया कि अब ऐसी किस्में बाजार में है जिसमें बीमारी की संभावना ना के बराबर है। इसके अलावा 11 ऐसी किस्में विकसित की गई हैं जिनमें आयरन और प्रोटीन की मात्रा काफी अधिक है। इस मौके पर सांसद संजय भाटिया ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की आय को दोगुना करना चाहती है। ऐसे रिसर्च संस्थान इस दिशा में काफी अच्छा काम कर रहे हैं, जल्द ही इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह मौसम बदल रहा है वह गेहूं की फसल के लिए फायदेमंद साबित होगा। वहीं ठंड बढ़ने से कृषि वैज्ञानिकों ने उम्मीद जताई है कि अगर ठंड लंबी चली तो इस बार गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन होने की उम्मीद है। हम इनको पूरा जो समुचित ज्ञान है कॉम्प्रिहेंसिव तौर पे, ना सिर्फ गेहूं का जौ का बल्कि इनको सब्जियों में, मशरूम में और डेयरी पालन में, दुग्ध में, वैल्यू एडिशन के बारे में कंप्लीट ज्ञान, जो संपूर्ण ज्ञान है वो मुहैया कराना चाहते हैं। आपको पता ही है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री का आह्वान है किसानों की आय दुगना करने के लिए, उस दिशा में एक प्रयास है जो निश्चित तौर पर सार्थक होगा, ऐसा मेरा मानना है। और किसानों की आय बढ़े, उनकी लागत घटे, जिससे उनको व्यावसायिक तौर पे फायदा पहुंचे। तो ऐसी कौन सी वैरायटी है जो संस्थान द्वारा विकसित की है और जिसमें ज़्यादा उत्पादन की संभावना है? देखिए, हमारे संस्थान से पिछले एक दो वर्षों में बहुत ही अच्छी अच्छी किस्मों का विकास किया गया है। खास तौर से मैं उल्लेख करना चाहता हूँ DBW 187 का, जो कि करण मन्ना के नाम से जानी गई है। उसमें जो अनुवांशिक क्षमता है 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पाई गई है। तो आप ये निश्चित मानो कि प्रति हेक्टेयर कम से कम 12,000 से 15,000 रुपये एडिशनल इनकम फार्मर को मिलेगा अगर उसको सही तरीके से लगाया जाए और रखरखाव का समुचित व्यवस्था की जाए। ठीक है, तो इनके वहाँ के और यहाँ के तापमान में अंतर है काफ़ी, किस तरह की वैरायटीज़ वहाँ पे काम? वहाँ के तापमान के लिए जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनका हम अलग से विकास करते हैं, तो उस दिशा में भी हमारा प्रयास है। और वहाँ की जो किस्में हैं वो ज़्यादा लंबी अवधि की होती हैं, एक बात है, क्योंकि वहाँ चारे की बहुत कमी होती है, इसलिए हम ऐसी किस्मों का विकास करना चाहते हैं जो न सिर्फ गेहूं का और जौ का उत्पादन कर सकें बल्कि उनसे एक दो कट चारे का भी लिया जा सके। जैसे 50 दिन पर अगर एक काट के मवेशियों को खिला दिया जाए उसके बाद भी हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं, 5 से 10% कम यील्ड मिलता है, लेकिन चारे को अगर आप कम उसको जोड़ेंगे तो पाएंगे कि ओवरऑल किसान का बहुत फायदा है। तो गेहूं की अब फसल जैसे हो रही है तो उसमें कोई बीमारी की संभावना, करनाल बंट वगैरह या कोई पीला रतवा वगैरह की? नहीं, अभी तो ऐसा नहीं, हमारी जितनी किस्में हैं वो सब इससे प्रतिरोधी हैं, इसलिए पीला रतवा का तो फिलहाल कोई न तो अभी रिपोर्ट आया है न कोई संभावना देख रहा हूँ मैं। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि कम से कम उत्पादन अगर इस साल जो होगा तो 105 मिलियन टन का होगा। दूसरा, आपने पौष्टिक तत्वों पर आधारित गेहूं की नई किस्म भी डेवलप की है? हाँ हाँ, आप ये देखिए, गेहूं में कुल अब तक मिला के 11 ऐसी किस्में विकसित हो चुकी हैं जिसमें विभिन्न पौष्टिक तत्वों का है, जैसे किसी में प्रोटीन ज्यादा है, किसी में आयरन, जिंक या जो विटामिन ए है वो उसमें ज्यादा पाया गया है। तो हमारे संस्थान से एक किस्म निकली है DBW 93 जिसमें आयरन 47 PPM है, उसके अलावा हमारी किस्म है WB2 जिसमें जिंक बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है 42 PPM। विकास का कार्य निरंतर चलता रहता है और हमारा अनुमान है कि आने वाली किस्मों में भी ज़्यादा से ज़्यादा पौष्टिकता हो। नई किस्म हो गेहूं या मक्का में कोई ऐसी हो जो कि पाइपलाइन में हो? जो पाइपलाइन में हमारी एक किस्म है जो इसी साल रिलीज की गई है DBW 222 के नाम से, और आने वाले साल में DBW 303 है जिसको हम उम्मीद कर रहे हैं कि 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन देने में सफल होगी। डॉक्टर, मौसम काफी अब कैसा है गेहूं के लिए? किस मौसम तो अनुकूल है, मौसम बहुत अनुकूल है और इसीलिए हम बहुत उम्मीद से हैं कि इस बार काफी अच्छा उत्पादन होगा। क्या कहेंगे, क्या सीखा? अभी तो बताएंगे ना जी, आज क्या करने आए हैं हम? यहाँ पे ट्रेनिंग लेने आए हैं जो गेहूं और
फलों से रिलेटेड वो कुछ ट्रेनिंग देंगे वो लोग, हाँ जी उसके बारे में जानकारी देंगे। हाँ जी, तो आप किससे जुड़े हुए हैं? हम किसान जी, हम खेती करते हैं। हाँ जी। अच्छा, तो वहाँ मेयर यहाँ में क्या अंतर लगता है आपको? अंतर किस चीज़ का? अंतर खेती का। अच्छा, तो जो यहाँ होता है वो वहाँ पे नहीं होता ना, क्योंकि वहाँ पे वो उस तरह का वो वातावरण नहीं है ना, वो ठंड, वहाँ सर्दियों में तो बर्फ पड़ जाती है, वहाँ सारा काम रुक जाता है, वहाँ पे 6 महीने काम कर पाते हैं और यहाँ जो 12 महीने काम होता है। हाँ जी, तो आप यहाँ से जाने के बाद वहाँ इस तरह के बीज वगैरह का एक्सपेरिमेंट भी करेंगे? हाँ करेंगे। अच्छा, तो कैसी इनकम है वहाँ किसानों की उस एरिया में? वो फलों में ज़्यादा इनकम है, फलों से। हाँ जी, आलू की खेती भी करते हैं। अच्छा जी, तो आप संतुष्ट हैं खेती बाड़ी के वहाँ पे इनकम से? हाँ जी, हाँ जी। क्या इतना नहीं, जितना किसान यहाँ कितना ही मिलता है ना उनको। हाँ जी, ठीक है। क्या नाम आपका? शांति। लाहौल समिति के किसान भाई बहन यहाँ पर आए हुए थे, उनका 3 दिन का ट्रेनिंग कैंप था। मुझे डायरेक्टर साहब यहाँ पर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी ने बहुत अच्छा प्रशिक्षण उनका किया, यहाँ आने का मुझे अवसर मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। और बहन जी ने भी अपनी बात में कहा कि हमें ऐसा लग रहा है कि हम लाहौल स्पीति में ही बैठे हैं, इस तरह से मान और सम्मान इन्होंने किया। और ये अपनी आय कैसे बढ़ सके, किसान की आय कैसे बढ़ सके, इसके लिए हमारी भारत सरकार भी कटिबद्ध है। और इतनी बौद्धिक संपदा हमारे करनाल के अंदर है, इसके लिए मैं भाग्यशाली हूँ कि इस क्षेत्र का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ। इन सभी रिसर्च सेंटरों से आम समाज का, आम किसान की आय बढ़े, उनका फायदा हो, इसके लिए सभी इंस्टीट्यूशन प्रयासरत हैं। मैं इनको साधुवाद भी देता हूं, बधाई भी देता हूं। इसी प्रकार से सही मायने में देश सेवा ये कर रहे हैं और इसकी ओर निरंतर आगे बढ़ते रहे। केंद्र सरकार काफी प्रयास कर रही है किसानों की आय को दुगुना करने के लिए, कुछ इसमें और कुछ सुधार नहीं? अभी मेरे को यहां पर आने के बाद इन्होंने बताया कि 1 हेक्टेयर में 100 क्विंटल तक की गेहूं की भी एक इन्होंने बीज का विकास किया है। और लगभग 15,000 किसान पिछले दिनों में 2-3 दिन पहले ही यहाँ पर बीज लेने के लिए आए हुए थे। मैं इनकी जो इन्होंने बीज उपलब्ध कराया और अपनी डेडिकेशन, अपने काम के प्रति जो जुनून है, मैं पूरे इंस्टीट्यूशन को बधाई देता हूँ। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।